गाइस वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में है मम्मी, पता नहीं कहाँ बिजी है। हाँ वरुण ने सर यहाँ से है ना। हाँ तो मम्मी है ना सुबह आई थी, मम्मी ताऊ जी, और मैं सुबह से कोई व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं उस दिन में गई थी वैक्सीनेशन के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा वैक्सीनेशन है आज। एंड आफ्टर वैक्सीनेशन मैं आपके साथ अपना एक रिव्यू शेयर करूँगी कि हाउ आई एम फीलिंग। ये मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन था और अभी तो हम लोग जा रहे हैं मूवी के लिए। हमारा प्लान था कल रात से मूवी का ही, और लेकिन कल रात में ना रियाज थोड़ा सा क्रैंकी सा हो रहा था तो हम लोगों का डाइसी था ना, टिकट बुकिंग नहीं करवाई थी। फिलहाल हम लोगों ने इमीडिएट टिकट बुकिंग्स करवाया और वही हम देखने जा रहे हैं 83 मूवी। बहुत ही बढ़िया रिव्यू सुने एंड अभी मन था कि चलो यार एक बार एक ऐसा थोड़ा सा ना एनर्जेटिक चीज़ कुछ होनी चाहिए लाइफ में, मोटिवेशन कुछ मिलना चाहिए, कुछ ये सब चीज़ें। तो मैं, मम्मी और वरुण जा रहे हैं, ताऊ जी और यश घर पे मौज मारने वाले हैं, हम तीनों जा रहे हैं मूवी के लिए एंड पूरा आउट ऑफ फोकस हो गया पता नहीं क्यों। तो बस अभी निकल लिए हैं, गेटिंग सुपर लेट, और मैंने क्या पहना है, मम्मी ने क्या पहना है, ये सब तो मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी। बहुत सारे फोटोज़ क्लिक कराने वाले हैं। वैली हमारा होने वाला है क्रिसमस का सेलिब्रेशन प्लस न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, मतलब दोनों एक साथ ही होने वाला है क्योंकि इस बार हमारा क्रिसमस भी बिल्कुल सिंपल गया एंड न्यू ईयर भी बिल्कुल सिंपल जाने वाला है। और कल सुबह हमें निकलना है कहीं और, वो आपको पता चलेगा कल के व्लॉग में। बट फिलहाल हम लोग एक रिलैक्स करने जा रहे हैं मूवी देखने। और लास्ट मूवी मैंने कब देखी थी, 2 साल पहले हो गया होगा, कोविड से पहले ही देखी थी। और मैंने 10 साल बाद देखी। मम्मी 10 साल के बाद जा रही है, मैं 2 साल के बाद जा रही हूँ। तो लेकिन हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, हमारा जो शो है वो 7:15 बजे का है और हमें पहले खाना भी है और ऑलरेडी इट्स टू लेट। तो बस भागो भागो हो रही है इस टाइम, भागो भागो यार। इतना ज़्यादा प्यारा, हाँ इतना ज़्यादा प्यारा पूरा डेकोरेट हो रहा है ना न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से कि हम लोग आफ्टर मूवी यहाँ पे कराने वाले हैं बहुत सारा शो। अभी नहीं, रात में सबसे पहले हम बर्गर किंग पे आ गए क्योंकि बाकी हर जगह टाइम लग रहा था। और इडली डोसा हमने ऑर्डर किया तो वहाँ पे हमारा पेमेंट ही प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, उनका सिग्नल में प्रॉब्लम आ गया। तो बर्गर 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 खाएंगे आज हम, बर्गर बर्गर। वरुण लगे हैं लाइन में, यहाँ पे अभी हम वैसे बहुत पीछे हैं, यहाँ ना ये बन रहे हैं फ्रोजन स्टोन्स, तो आपकी आवाज़ आ रही होगी। वरुण लग रहे हैं ये रे बर्गर किंग की लाइन में। सो फाइनली हमारा जो आना, तो फाइनली ये हमारा भैया आ चुका है और बहुत ही कम टाइम बचा है तो जल्दी हम लोग खाते हुए भागने वाले हैं स्पीड में। सुपर लेट और फ्राइज इतने गर्म है ना, फर्स्ट टाइम बर्गर फिनिश करना है, फ्राइज बहुत गर्म है। लास्ट के 2 मिनट्स बचे हैं और हम इतनी स्पीड में भाग गए कि मैं, मम्मी तो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए भाग रहे थे, अभी पी के यहीं पे फेंक गया। बट फाइनली हम पहुंच गए मूवी टाइम, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम। वी आर इन द हॉल और मूवी स्टार्ट होने वाली है थोड़ी सी ही देर में। अच्छा आप लोग कमेंट करना किस किस ने 83 मूवी देख ली है और कैसी लगी है। मैंने तो रिव्यूज़ देखे हैं काफ़ी लोगों के, नोन में तो बहुत ही अच्छी बता रहे हैं। बाकी अभी हम लोग देखते हैं कि कैसी लगने वाली है हमको, मम्मी को कैसी लगी। एक्चुअली मुझे मम्मी को ना क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी कैसी लगती है ना मम्मी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बट हम लोग देखने वाले हैं कि कैसी लगने वाली है। और वरुण तो बिल्कुल देखने वाले हैं। और पता है बहुत ही बड़ी फनी बात बताती हूँ, हमारी ना सीट भी साथ में नहीं है, हमने लास्ट टाइम बुकिंग करवाई थी लास्ट मिनट, तो एक सीट ये है, एक मम्मी के छोड़ के है बट हम लोगों ने भी यहाँ ले लिया, कोई सिंगल सीट थी। तो आपका 16 है क्या? हाँ तो हमारे ना दोनों की सीट में बीच में एक भैया थी तो हम लोगों उनको मम्मी की सीट पर बैठा दिया, मेरा मम्मी यहाँ बैठे हैं और वरुण मेरे आगे वाली सीट पर बैठे हैं। तो हमारी सीट अभी ऐसे ऐसे ट्राइंगुलर शेप में है बट वरुण के मजे आने वाले, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आज मूवी में, उनकी फेवरेट मूवी होने वाली है क्योंकि ही लव्स क्रिकेट। गोइंग बैक टू होम, नहीं छुपने देंगे, नहीं छुपने देंगे। वरुण ने मुझे अपना कैब दे दिया है तो मैं अगेन स्टाइलिश हो गई हूँ, वरुण ने मेरा मुफलर ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं घर वापस ताऊ जी और रियान से मिलने के लिए। लेट्स सी वो क्या कर रहे हैं दोनों। हाँ तो चलो देखते हैं घर पे। और क्या लगता है रियांश क्या कर रहा होगा? नहीं मम्मी, क्या लगता है रियांश सो रहा होगा या जग रहा होगा?
रियांश इतना चालाक है, इतना चालाक है कि इसने ना पॉटी नहीं की थी हमारे आने से पहले। जैसे ही हमने एंट्री की है भाई साहब, इसने 5 मिनट बाद ही पॉटी कर ली। बहुत चालाक हो रियांश, और अभी खेल रहा है। अभी इसकी मैंने पॉटी वोटी साफ किया, एंड अब इसे ना प्ले करना है, इसे बातें करनी है, इसे हंसना है। रियांश बेबी, तुमने पोटू कर लिया। कैमरा आती मम्मी बिल्कुल नहीं हंसता ये, अब तुम देखना बिल्कुल नहीं हंसेगा और इतना सीधा बन जाएगा नाटकबाज। रियांश बेबी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ओ भैया हंस दो, अभी कितना हंसा तो मैं देख रही हूँ नाटक इसके। अब इसी कैमरे पे नजर चली गई, हंसेगा देखिए ना, ही कैमरे को देखे तो बिल्कुल नहीं हंसता कोई। हाँ नाटक हूँ मैं तो, नाटक देखो, देख रही हूँ देखो मुँह। अरे भैया इन ये क्या खेल कर रहा है नया फिशु। रियांश भी अच्छा कहता हूँ, हेलो सबसे हेलो कर दो रियांश, हेलो कर दो। हेलो हेलो, मैं रियांश बेबी, मैं नॉटी रियांश बेबी। रियांश हंस के दिखा दो एक बार भैया, हंस के दिखा दो। अब देख रहा हूँ मैं एक बार भी स्माइल पास नहीं कर रहा है, और अभी कैमरा बंद होगा तो देखना है इसकी खींची शुरू हो जाएगी। रियांश रियांश देखो चेंज कर लिया, मेकअप रिमूव कर लिया, और मैं तो जा रही हूँ बिल्कुल सोने के लिए। अभी शायद 11:30 बज रहे होंगे, नहीं 12:15 बज रहे होंगे, 12 होंगे। उफ 12:11 हो गए हैं, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बहुत जोर की नींद आ रही है, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है 6:30 अप्रॉक्स। धीरे बोल रही हूँ कि सब लोग सो चुके हैं, मतलब मम्मी दादा जी ना सो चुके हैं रियांश को लेके, और कल जल्दी उठ के मुझे करनी है पैकिंग सुबह ही सुबह। कहाँ के लिए करनी है ये आपको पता चलेगा मेरे कल वाले व्लॉग में। फिलहाल इस वाले व्लॉग को मैं करती हूँ ख़त्म, आई होप। तो फिलहाल मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह मॉर्निंग में, बाय। हाय गाइस, सो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ छोटा सा फैशन हॉल जो मैंने इस मंथ परचेज किया है। एंड क्योंकि इट्स 2022 और 2021 जा चुका है, एंड मैंने ना लास्ट ऑफ द ईयर कुछ स्किन केयर नहीं किया, तो मुझे इस बार था कि यार स्टार्टिंग ऑफ द ईयर अपना स्किन केयर करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, स्किन का ध्यान रखना है, हेयर्स का ध्यान रखना है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ शॉपिंग की है स्किन केयर से रिलेटेड और कुछ मेकअप से रिलेटेड। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जल्दी से अपना हॉल, एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में वो आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे मेरे, चेकआउट कर लेना। एंड ये रहा मेरा 2022 का जनवरी का पिटारा फॉर स्किन केयर, जल्दी से मैं आपको दिखाती जाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज किया। सबसे पहला मैंने परचेज किया मामा अर्थ के ये जो लिप बाम्स आ रहे हैं ना, ये मैंने परचेज किया कोको वाला, एंड आई वॉज लाइक यार ये बहुत टाइम से आ रहा है, मुझे लेना है ये। इसमें रोज वाला भी था, अभी मुझे लगता है मैंने रोज वाला क्यों नहीं लिया, बट कोको वाला इज ऑल्सो नाइस। अगर आपको चॉकलेट पसंद है ना तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इसे, एंड ये कोई मामा अर्थ का प्रमोशनल वीडियो नहीं है बिल्कुल भी, तो ये मैं समझना कि मैं इसलिए प्रमोट कर रही हूँ, बट ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, चॉकलेटी इसका फ्लेवर है, एंड मैं इसे रेगुलरली यूज कर रही हूँ, काफी ज्यादा हाइड्रेट रखता है ये आपके लिप्स। एंड अगेन मैंने मामा अर्थ का प्रोडक्ट परचेज किया है, और ये मामा अर्थ का प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने ना उपटन के डे क्रीम एंड नाइट क्रीम परचेज किया है, क्योंकि ये पेयर्स में ली जाएंगी। अभी क्या स्किन ना काफी ज्यादा रफ होती जा रही है विंटर्स में, तो वैसे भी मेरे को लगता है कि आफ्टर डिलीवरी ना मेरी स्किन बहुत ज्यादा चेंजेस ला रही है, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं स्किन पे वो दिख रहा है। तो उपटन से ज्यादा बढ़िया जो हमारी क्रीम होती है नहाने के लिए होता है, लोशन होता है, वो कुछ नहीं लगता है मुझे, सच बताऊं तो। पुराने टाइम से नेचुरल उपटन होते थे, अभी क्या है कि हम नेचुरल उपटन नहीं बना पा रहे हैं टाइम की वजह से, तो आप इस टाइप के उपटन ले सकते हो। तो मैंने इसमें डे क्रीम और नाइट क्रीम ली है इस टाइप की, और ये मैं यूज कर रही हूँ लास्ट 7-8 दिन से, मुझे काफी अच्छी भी लग रही है, बहुत लाइट वेट है, ऑयली स्किन पर डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से जा रही है मेरी। तो ये मैंने दोनों परचेज किया डे क्रीम नाइट क्रीम।
बढ़िया एकदम मस्त है यार ये तो सच में। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा जरूरी चीज परचेज किया, वो है टॉयलेट सीट सैनिटाइजर एवरटीन का। मेरे पास ही ऑलरेडी एक प्रमोशन में आया था, बट इस बार मुझे लगा कि वो खत्म हो गया तो मुझे खुद देना चाहिए। हॉस्पिटल विजिट्स रहते हैं, वैसे भी कहीं बाहर आना जाना ऑब्वियसली रहता है, एंड हाइजीन एक सबसे बड़ी चीज है जो आपको मेंटेन करनी ही चाहिए। अगर आपको हेल्थ एंड बॉडी सब कुछ अच्छा चाहिए तो हाइजीन बहुत जरूरी चीज है। तो यार मैंने टॉयलेट सीट सैनिटाइजर लिया है, बहुत हैंडी है, कॉम्पैक्ट है, आपके पर्स में ना इजिली आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने परचेज किया एक फाउंडेशन, क्योंकि मैं ना अभी तक फिटमी का फाउंडेशन ही यूज करती थी, मुझे अच्छा लगता था ऑयली स्किन पर। इस बार मैंने ट्राई किया लेट्स गो टू वेट एंड वाइल्ड का ये फाउंडेशन, और इसको मैंने ना ओपन भी कर लिया है, एक बार थोड़ा सा यूज किया अपना कलर चेक करने के लिए। सो ये परफेक्ट है मेरे कलर पे, एंड इसका अगर आपको मैं टोन बताऊं कौन सा है तो दिस इज बेज, गोल्डन बेज कलर है इसका। मेरे स्किन टोन पे परफेक्टली जा रहा है, ये इंडियन स्किन टोन के लिए अच्छा है, ऑयली स्किन पे भी अच्छा वर्क कर रहा है मेरे को तो। एंड उसी के साथ मैंने परचेज किया एले गर्ल का ये कंसीलर, और ये कंसीलर थोड़ा सा मेरे स्किन से डार्क है तो मैं इसको मिक्स एंड मैच करके यूज करूंगी। मेरी स्किन टोन से ना ये डार्क है, आप देख सकते हो, वो ना इतना पहचान में नहीं आ रहा था फोन में आप जब ऐसे देखते हो तो, बट हाँ डार्क है। सो मैंने ना इस बार दोनों चीज नई ट्राई करने वाली हूँ, कंसीलर एंड फाउंडेशन। इसका मेकअप वीडियो जल्दी से मैं ट्राई करूंगी, शूट करूँ, और इस ईयर ना मेरे बहुत सारे टारगेट्स हैं वीडियोज को लेकर। सो स्टे ट्यून्ड एंड बहुत सारा प्यार आपको देते रहना, बहुत सारी मेहनत मुझको करती रहनी है मेकअप वीडियो शूट करने के लिए। उसके बाद एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज रोल ऑन, जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, मैं एंड वरुण, हमारा मतलब रोल ऑन तो मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। और रोल ऑन के बाद मैंने परचेज किया है शुगर का ये ब्लश, और इसका जो कलर है दैट इज पिंक 02, शेड नंबर है 02, पिंक इसका कलर है, एंड ये है इस शेड का। मैंने इसको यूज करके देखा था तो मतलब अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगा यार इससे पहले ना मैं यूज कर रही थी जो वो ज्यादा पिगमेंटेड है, SQ का है वो शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अभी आप देख रहे हो मैंने इतना एकदम अच्छे से वो कर लिया, मतलब मुझे इतना पर्सनली बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड नहीं लगा यार, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। बट लेकिन ठीक है, ट्राई करूंगी मैं फिर भी अगर अच्छे से हो जाता है तो। मुझे सच में इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं लगा, आप अपने रिव्यूज देना शुगर का अगर आप ब्लश यूज कर रहे हो तो। उसके बाद मैंने लास्ट हिमालय का डायपर क्रीम, जो अभी मुझे लग रहा है कि मेकअप करने से पहले ये सारी चीज़ें एसेंशियल्स हैं मेरे लिए, जो मुझे डायपर क्रीम, डायपर, ये वो सब ढूंढना पड़ता है। सो मैंने ना हिमालय का डायपर क्रीम लिया है रियांश के लिए, और बेबी जॉनसन्स मैं फिलहाल स्विच करने वाली हूँ, सच बताऊँ अपना रिव्यूज, और हिमालय पर जाने वाली मैं पूरी तरीके से अभी, जो मेरा प्लान है। एंड हिमालय का मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं, ठीक है। सो मैंने हिमालय के डायपर क्रीम लिए। सो या दैट्स इट फॉर माय टुडेज हॉल वीडियो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, अभी आप एंजॉय कर सकते हो मेरे आगे के व्लॉग को। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। और अभी ना 7:30 बज रहे हैं, मैं उठी थी सुबह 6 बजे, सब लोग 6 बजे उठे थे क्योंकि जाना है आज मॉर्निंग में। एंड यहाँ पे सारे ना बिस्तर निकल गए हैं, सामान पैक हो गया है, आधा सामान गाड़ी में रखा है, वहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तो बस अभी निकलना है घर से। और कहाँ जा रहे हैं ये आप लोग गेस करो, बाकी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूंगी। फिलहाल मेरा जाना कैंसिल हो रहा है अभी आज के लिए, क्योंकि आई एम नॉट वेल यार, कल बताया मुझे वैक्सीनेशन के बाद कुछ भी नहीं लगा और मैं बिल्कुल मस्त थी, इंजॉय कर रही थी। अभी बताइए क्या है, मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द है कि मुझे कैमरा पकड़ने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वाला हाथ इज़ परफेक्टली फाइन, ये ना मूव भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, हेडेक है, फीलिंग फीवर जैसी है, वोमिटिंग जैसी है, तो आई एम नॉट वेल। तो मेरा प्लान है कि मैं कल सुबह जाऊंगी मेट्रो से, या फिर अगर आज शाम तक मुझे बेटर लगा सोने के बाद, ऐसा लगा मैंने अभी मेडिसिन लिया पैरासीटामोल, ऐसा मुझे लगा कि हाँ आई एम ओके, तो मैं आज शाम को या रात में निकल जाऊंगी, बट फिलहाल मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी ना तो मैं डेफिनेटली रेस्ट नहीं कर पाऊंगी, भागा दौड़ी में लग जाऊंगी, और आज मेरा जाना चल जाएगा बट कल से मुझे वहाँ होना ही होना है फॉर श्योर। तो बस यही रीज़न है आज सब लोग जा रहे हैं, मैंने सारा सामान रियांश का पैक कर दिया है, और पता है कल क्या हुआ, जो रियांश के कपड़े हमने वॉश किए थे ना, उसका जो स्टैंड ना वो बाहर ही सूखा रह गया, तो कपड़े ना उसमें हल्के से सीरे सीले हो गए, तो वो कपड़े सब मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, अभी फेस वॉश भी नहीं किया तो वो सब ना मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी, अभी बस उसके लिए एक जोड़ी कपड़े रख दिए अगर ज़रूरत पड़े तो इस टाइप से। सो या यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड कल की मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, आप लोग जरूर बताना आपने देखी है तो कैसी लगी आप लोगों को, नहीं देखी है तो मस्ट गो है, मतलब अच्छी है मूवी, नाइस, वेरी नाइस, बहुत टाइम के बाद मूवी देखी, वो भी अच्छी देखी तो मज़ा आ गया। और एक ब्रेक तो यार चाहिए था, मतलब ब्रेक क्या है, एक वो चाहिए था कि अभी जो स्टेप हम लेने वाले लाइफ में जो आने वाला है उससे पहले एक ना पुशअप चाहिए था, तो आप ये सारी चीज़ें मतलब लाइक कर सको पूरी हिम्मत के साथ ना, तो वो एक पुशअप चाहिए था, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया था कि यार जब जाना है आज तो एक बार पुशअप ले लो अच्छा सा और धक्का मार के चल जाए गाड़ी, मतलब हमारी भी कंडीशन ऐसी हो गई है ना लास्ट 3-4 मंथ से,
और 2 महीने से तो क्या ही कहे। तो वही था एक यू नो एक ब्रेक और एक पुशअप हर किसी को चाहिए होता है, तो वो हमें इस टाइम था कि नीड है बिल्कुल। तो वही हम लोगों ने प्लान किया कि लेट्स गो फॉर अ मूवी और अभी वी आर ऑल गुड। मतलब अभी हमें लग रहा है हमें बहुत एनर्जेटिक हैं फिर से अगेन ट्रैक पे आने के लिए लाइफ में एंड आगे जो चीज़ें होंगी उनको करने के लिए। सो या चलो व्लॉग फिनिश करती हूँ। सामान सारा पैक हो गया है, दूध वूध सब मैंने यहाँ का पैक कर दिया, बस कपड़े इसके मैं कल लेके जाऊँगी बाकी के एक्स्ट्रा। और आज मुझे अपने एक दो काम निपटाने थे वो निपटा लूँगी यहाँ पे, बाकी रेस्ट करूँगी अगर हो सका तो। आई विल व्लॉग, वैसे मैं क्या ही व्लॉग करूँगी नहीं करूँगी बट आई विल ट्राई कि अगर हो सका तो मैं आपको अपडेट दे दूँगी अपने 24 आवर्स तक मेरा क्या कंडीशन है। अभी तो रात शाम मतलब मैंने कल 3 बजे लगवाई थी, 3:30 बजे लगी थी, 3 से 4 का मेरा स्लॉट था, 3:30 अप्रोक्स लगी थी। उसके 11-12 बजे तक मैं जगी थी रात के, मुझे बिल्कुल कोई मुझे ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरे को वैक्सीनेशन हुआ या मुझे कोई इंजेक्शन लगा, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। अभी सुबह जब मैं उठी हूँ ना रात में मेरे साथ में बहुत पेन था, बहुत पेन, हल्का से स्वेलिंग आ रही है एंड हेडेक है, लिटिल बिट फीवर कोल्ड जैसी फीलिंग है, बैक एक है, लेग्स में पेन है, अभी पूरी बॉडी पेन है। तो मेरा पैरासिटामोल लेके अब मैं ये लोग निकलेंगे ना तुरंत सोने वाली हूँ एंड फिर उठूँगी, फिर बाकी का आगे का देखती हूँ कि क्या मेरी कंडीशन है एंड मैं कैसा फील कर रही हूँ, उसके बाद फिर मेरा जाने का डिसीजन रहेगा आज शाम तक या फिर कल सुबह। चलो फिर बाय फॉर दिस व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय।